राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित रहने वाले लोग आजकल इन दिनों फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को लेकर बेहद चिंतित हैं और जगह जगह पर जिस तरीके से पीवीआर कॉम्प्लेक्स के अंदर साकेत पीवीआर कॉम्प्लेक्स के अंदर जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो भी टूटी हैं, साथ ही साथ जो पीवीआर कॉम्प्लेक्स का पूरा एरिया वहां पर जो ट्रैक बना है वो टूटा है। तो साकेत में इस बार एक बार फिर से साकेत स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। वुमेन डे से पहले ये पूरा कार्यक्रम इसलिए किया गया, एक साइलेंट मार्च निकालकर प्रशासन को अवगत कराया गया कि किस तरीके से उनके यहाँ चलने वाले जो फुटपाथ है उस पर किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि बताया गया कि तकरीबन 80 से 82 दुकानें हैं वो रेस्टोरेंट, लेकिन उसके बाद जो जितनी दुकानें फुटपाथ पर वो लगी हैं आखिरकार वो किसकी मिली भगत से लगी हैं, उसी को लेकर ये पूरा पैदल मार्च जो है वो निकाला गया। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग स्लोगन लेकर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे युवा सभी निकले, क्योंकि इस सड़क से फुटपाथ से सभी को गुजरना होता है और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिस तरीके से है सरकार को जगाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से उनकी फुटपाथ पर कब्जा हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग स्लोगन लेकर सभी लोग निकले हैं और एक नुक्कड़ नाटक जो है वो भी यहाँ पर पेश किया गया। साकेत में पूरा मार्च जो है वो निकाला गया, किस तरीके से देखिए जो RW प्रेजेंट हैं वो भी यहाँ पर हैं और उनके साथ साथ देखिए किस तरीके से तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो सभी लोग किस तरीके से इस मार्च में निकलें और उनके यहाँ पर जिस तरीके से साकेत में उन्होंने बताया कि साफ सफाई और ग्रीन बेल्ट रहे और इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ये पूरा मार्च देखिए आप किस तरीके से सड़कों पर निकाला गया है। इसमें रविवार के दिन बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और सभी के हाथ में देखिए अलग अलग स्लोगन थे और सभी जो है प्रशासन को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से ही उनके यहाँ पर ये फुटपाथ पर कब्जा हुआ है, इस तरीके का आरोप जो है क्षेत्र के लोगों ने लगाया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साकेत इलाके की, जहाँ पर PVR रोड पर किस तरीके से यहाँ पर फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं है, इसलिए बच्चे हों या बड़े सभी ने इस पर देखिए किस तरीके से अलग अलग स्लोगन लेकर ये मार्च जो है वो निकाला है, साइलेंट मार्च पूरा है इसको निकाला गया है। RSONews की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ RSONews को आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर जो है आपको RSONews पर मिलेगी। RSONews के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट RSONews पर। हमको स्वच्छ साकेत चाहिए, हमको स्वच्छ साकेत चाहिए, हमको स्वच्छ साकेत चाहिए, हमको स्वच्छ साकेत चाहिए। दोस्तों ये फुटपाथ हमारे पैदल चलने के लिए है, पर इस पर ये दुकानें क्यों है, इस पर ये बाजार क्यों सजा हुआ है? ये बाजार क्यों सजा है? बाजार क्यों सजा है? बाजार क्यों सजा है? सुरक्षित चलना चाहती हूँ, सुरक्षित चलना चाहती हूँ, सुरक्षित चलना चाहती हूँ। सुरक्षित चलना चाहती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं राकेश डबास हूँ, फेडरेशन ऑफ साकेत RW का प्रेसिडेंट भी हूँ और जी ब्लॉक साकेत का प्रेसिडेंट भी हैं और सीनियर सिटीजन वेलफेयर का भी हम एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। आज आप लोग ये पिछले साल हमने शुरुआत की थी वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की। पिछले साल हमने अवार्ड दिए थे एंटरटेनर्स जो थे जो अच्छे काम करते थे साकेत के लेडीज़, उनको अवार्ड दिए गए थे। हमने सोचा इस परम्परा को आगे चले और ये सोचा कि क्यों ना एक ग्रुप बनाया जाए लेडीज़ का और उस ग्रुप का इस्तेमाल करें। जैसे हम परेशान हो गए थे, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स लेडीज़ बच्चे फुटपाथ पर रास्ता नहीं था, तो हमने एक टॉपिक चुना नीट साकेत एंड क्लीन साकेत एंड फुटपाथ से चलने का रास्ता में दिया जाए। उसको लेते हुए सबने ये डिसीजन लिया कि एक साइलेंट मार्च निकाली जाएगी। उसका उद्देश्य यही रहेगा, हम ये नहीं कह रहे कि फुटपाथ से आप इनको हटा के उनकी दुकानें हटा दीजिए, इनको रास्ता और कहीं दीजिए, इनकी मार्केट बनाइए और हमें चलने का रास्ता दीजिए। हमारा उद्देश्य यही है
और बाकी मैं अनंत मान लीजिए। हाँ, हमने MCD को बार बार ये बोला कि आप अप्रूवल दुकानों की लिस्ट हमें प्रोवाइड कीजिए। अप्रूवल दुकानें जो आज तक हमें नॉलेज है 82 अप्रूवल दुकानें पूरे साकेत में, लेकिन अब तो 465 दुकानें लगी हुई हैं। अगर MCD में अप्रूवल दुकान का, उसमें भी एक 6 फुट की दुकान होती है 6x6 की, लेकिन पूरा कवरेज कर लेते हैं। उसमें भी अप्रूवल ये है कि आपकी फुटपाथ छोटी है तो अप्रूवल नहीं दे सकते वो, लेकिन ये फुटपाथ तो पूरा दे रखा है इन्होंने, पूरा फुटपाथ कवर है। फुटपाथ कवर नहीं है, आगे बेंच भी लगा रखे हैं, कढ़ाई भी चल रही है, गैस भी चल रहा है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ख़त्म कर रखा है, एंक्रोचमेंट पूरा कर रखा है। तो हमारा तो ये है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है DC मैडम से, पुलिस से, जो और भी भागीदारी जो है, कि आप इनको और कहीं बिठाइए, पूरा रास्ता ये नीट एंड क्लीन बिठाइए, हाइजीन पॉइंट बिठाइए, हम भी इनकी शॉपिंग करेंगे और हमें भी फायदा होगा, ये हमारा तात्पर्य है। हम लोगों का एज अ सीनियर सिटीजन, हम लोगों का भी कुछ सोचें, चलने की जगह नहीं होती, दो दो तीन तीन स्कूल हैं सड़क के ऊपर, जब बसें आ जाती हैं गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं फुटपाथ के ऊपर, ये सामान वेंडर्स हैं, तो आप बताइए हम कहाँ चलें, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। और हम अगर सड़क पे चलते हैं तो गाड़ियां मारती हैं। एज अ सीनियर सिटीजन आई थिंक सो एवरीबडी शुड लुक आफ्टर अस एंड गिव अस अ स्पेस टू वॉक। निवेदन है सबसे कि हमें किसी की रोजी रोटी नहीं छीनना है, जैसे सब लोग यही कह रहे हैं, हमें सिर्फ राइट टू वॉक चाहिए, क्योंकि आप देखिए लेडीज़ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये रास्ते बहुत मुश्किल हो जाते हैं चलने के लिए। सो आप यहाँ पे भी नाटक में भी यही सब देखेंगे कि रोजी रोटी नहीं छीनना है, ना उनके पेट पे लात मारेंगे ना हमारा अपना है, बस हमें राइट टू वॉक दीजिए, बस यही एक निवेदन है हम सबसे।